शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तकदीर के सामने सर झुकाना पड़ता है बेटी। दोस्त को ये मशवरा दे रहे हो कि वो अपनी जिंदगी के उजाले बेचकर किसी के अंधेरे खरीद ले। मेरी आंख तो तुम्हारे ऊपर है और ध्यान उनकी दौलत की तरफ। गौरी तैयार है ना बेटी? हाँ बाबूजी। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आइए आइए, पधारिए पधारिए। क्या बात है पंडित जी, आप अकेले आए? वो लोग कहाँ हैं? क्या तुम यजमान, लड़के की माँ ने अचानक इनकार कर दिया तो ये आस फिर टूट गई। यजमान आप चिंता ना करें। गौरी मेरी इकलौती लड़की है, मैं उसके जहेज में अपनी सारी जायदाद तमाम दौलत देने के लिए तैयार। लाला जी कल एक काम से मैं आगरा जा रहा हूँ, वहाँ भी मेरे बहुत से जजमान हैं, कहीं ना कहीं बात पक्की करके ही आऊंगा। इसी आशा पर जी रहा हूँ पंडित जी, बनारस लौटते ही कोई शुभ समाचार दीजिएगा। भगवान सहायक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जय राम जी की। पिताजी पिताजी आप कब तक इन ब्राह्मणों की झूठी तसल्लियों से अपना जी खुश करते रहेंगे? भगवान ने मेरी किस्मत में आंखों का अंधेरा लिखा है तो कोई इंसान मुझे उजाला कैसे दे सकता है? तकदीर के सामने सर झुकाना पड़ता है बेटी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान तकदीर से काम ना ले। पिताजी एक बात पूछूं? पूछ बेटी। मैं पिताजी मैं आपके लिए बोझ तो नहीं बन रही हूँ? गौरी बेटी ये आज तू कैसी बातें कर रही है गौरी? तो फिर पिताजी जब मैं आपकी छाया में खुश हूँ तो ये खुशी आप मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं? बेटी संसार की ये रीत चली आई है कि जब लड़की जवान हो जाए तो उसका घर ससुराल में होता है। तो फिर पिताजी आप मेरे लिए वर भी ऐसा ढूंढिए जो मेरी आंखों के अंधकार को न देख सके। नैनहीन का साथी नैनहीन ही होना चाहिए। गौरी बसंती गौरी को ले जा। पिताजी मैं देख तो नहीं सकती लेकिन आपकी आवाज का दर्द सुन सकती हूँ। आप मेरी इतनी चिंता न कीजिए, कहा ना मैं इसी हाल में खुश हूँ। चल गौरी। माँ ये कल के लिए रखा है। देखो माँ अंदर की हवा बाहर न जाए, बस यही सब कुछ। देखो लक्ष्मीदास। ओ लक्ष्मीदास। क्या बात है शेठ जी? देखो आज विक्रमी संवत शुरू हुआ है, नए साल के दिन नया बही खाता खोल लो और नेक नीति से दिल को साफ रखकर खाते के पहले सफे पर आमदनी लिख लो। लेकिन शेठ जी नए साल के दिन झूठ मूठ आमदनी कैसे लिख दूं? तू भी ठीक कहता है। अरे सुन तेरे पास एक रुपया है जी? देख ले। एक ही है? अरे ला मुझको दे दे। अब लिख लो खाते में कि लक्ष्मी दास को दिया हुआ रुपया वसूल पाया और आज की तारीख लिख दो। लेकिन शेठ जी ये तो मेरा रुपया है, वापस कब मिलेगा? जी 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 नए साल के दिन वापसी की बात नहीं किया करते है। मनी ऑर्डर लाए हो ना? मनी ऑर्डर नहीं है। एक चिट्ठी है। तो फिर पोस्टल ऑर्डर होगा। अब यहाँ क्यों खड़े हो? 20 पैसा दीजिए, लिफाफा बैरंग है। अरे बैरंग कहाँ है, अच्छा खासा सफेद रंग है इसका। सेठ जी भेजने वाले ने इस पर टिकट नहीं लगाया। तो भाई फिर वापस ले जाओ, पैसे देकर हम लिफाफे नहीं खरीदते। सेठ जी
ये चिट्ठी तो आपकी लड़की धनवंती ने भेजी है। ओहो धनवंती ने, ओहो उसने भी आज खेलना था तो बाप सही, नए साल के दिन सूख लग गई। देखो लक्ष्मी जी, इसको 30 पैसे दे दो भाई। मेरे पास तो 1 रुपया था, सो आपने ले लिया। डाक मास्टर कल ले जाना, लिफाफा वापस कर दीजिए, मैं कल फिर ले आऊं। अरे भाई क्या सी बातें करते तुम, नए साल के दिन घर में आई चीज वापस नहीं मांगते हैं। देखो डाक मास्टर, तुम तो घर के आदमी हो, मैं जरा लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ लूं फिर वापस ले जाऊं। ओहो मुझे और भी डाक बांटने हैं। अच्छा चिट्ठी अब अपने पास रखिए, मैं पैसा कल ले जाऊं। घर का आदमी है, घर का आदमी है। लो धनवंती ने नए साल की मुबारक भेजी है और साथ में आशीर्वाद मांगा है। 30 पैसे की चोट खाकर किस मुंह से आशीर्वाद दूं? शेर जी हाँ भाई, मैं तो आपको बताने ही भूल गया। कल शाम की डाक से वकील राम रतन का खत आया था। हाँ वकील साहब का? जी हाँ, आपके भांजे संजीव कुमार की जायदाद का फैसला आउट हो गया। फैसला आउट हो गया तो क्या संजीव जायदाद का वारिस बन गया? जी नहीं, हम मुकदमा हार गए। हार गए तो फिर फैसला क्या आउट हुआ? हम आउट हो गए। नए साल के दिन यही खुशखबरी सुनानी थी। मैं आज तक संजीव को इस उम्मीद पर पढ़ाता रहा कि जब वो अपने दादा की जायदाद का वारिस बन जाएगा तो मैं उसकी पढ़ाई की रकम सूद के साथ वसूल करूंगा। टोटल लॉस, टोटल लॉस। लक्ष्मी जी, संजीव को अभी चिट्ठी लिखो। क्या लिखो जी? लिखो कि हम उसकी जायदाद का मुकदमा हार गए हैं, अब मेरे पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं है, उसे कहाँ से पढ़ाऊंगा। और ये भी लिख दो कि वो कॉलेज छोड़ दे और कहीं नौकरी कर ले। आज मिलने का वादा है आज मिलने का। क्यों भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अमा यार जानता तो है, फिर काय को पूछता रहता है। सुनील इम्तिहान सर पर खड़ा है, 10-15 दिन पढ़ाई कर ले, इसके लिए तो एक उम्र पड़ी है। देख संजीव, आज तक तुझसे ना कोई बात छुपाई है और ना छुपाऊंगा। जब तक दिन में एक बार गीता के मुखड़े की किताब ना पढ़ लूं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। लेकिन मेरे दोस्त इम्तिहान में गीता के मुखड़े पर सवाल नहीं आएगा। देख संजीव, जाने देना यार। अच्छी बात है, जा लेकिन जल्दी लौटना, रात भर पढ़ना होगा। ओके बाय बाय। ए शहर के रईस आजम सेठ दौलतराम के घर मिल ऑफिस में इनकम टैक्स वालों का छापा, 1 करोड़ के नोट पकड़े गए। 1 करोड़? अरे भगवान, अब मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे पास सिर्फ 10 लाख हैं? हाय 1 करोड़। शेख मणिराम है? नहीं भाई, करोड़पति हो गए। पधारिए। आपकी शक्ल से साफ पता चलता है कि आप उधार लेने आए हैं, मगर भाई आजकल मैं मकान और जमीन गिरवी रखकर रुपया नहीं देता। तुम्हारे पास अगर जेवर हो तो ठीक है। बैठ। नहीं भाई बैठो, मैं ऐसे ठीक हूँ। देखिए आप ही सेठ मणिराम है ना? हाँ भाई मैं ही हूँ। एक ही तो शहर में सेठ है जो आप जैसे भद्र पुरुषों की सेवा करता रहता है। देखो भाई, 2% पर दूंगा और जेवर भी 22 या 24 कैरेट का होना चाहिए। 14 कैरेट का धंधा मैं नहीं करता। ये बंदा कोई धंधा करने नहीं आया है, मैं तो आपका हिसाब किताब देखने आया हूँ। हिसाब किताब? इनकम टैक्स सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? आप सेठ दौलतराम के घर जाइए, आपके दफ्तर वाले पहले वहां मौजूद है, ये रहा उसका पता। जाइए। मेरे पास तो सिर्फ आपका पता है। नहीं नहीं देखिए सर, मैं आपके पांव छूता हूँ, आप मेरा जो जी में आज देख लीजिए, मगर हिसाब किताब न देखिए। देखिए मजाक छोड़िए, हिसाब किताब निकालिए, अपना काम शुरू करूँ। मैं हिसाब किताब नहीं दिखाऊंगा। मैं तो हिसाब किताब के लिए ही आया हूँ। देखिए आप अपना इरादा बदल दीजिए, मैं उम्र भर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके बाल बच्चों को दुआ दूंगा। मेरे टांग तो छोड़िए। राम 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 राम। शेर जी, क्या आप जैसे धनवान को ये बात शोभा देती है कि आप कल के लड़के के पाँव पड़े? अरे मैं इनके पाँव नहीं पड़ू तो क्या तेरे पाँव पड़ू? ओ अब मैं समझा, जरूर तूने रिपोर्ट लिखाई होगी, पहले अफसर को भेजी और पीछे पीछे खुद आ गया। शेर जी ये तो मेरा लड़का है राधेश्याम। राधेश्याम? अरे तेरे जन्म में किए पड़े, मेरे मालिक को पाँव में गिरा दिया। बापू मेरा क्या कसूर? मैंने सेठ जी से हिसाब की किताब मांगी, इन्होंने ना देखा ना सुना, एकदम मेरी टांग पकड़ ली।
ये तो अच्छा हुआ बापू आप आ गए, नहीं तो ये मेरी गर्दन भी पकड़ लेते। सेठ जी बच्चा है, क्षमा करना। अरे क्षमा कैसी लक्ष्मी, हम तो बहुत खुश हैं। जो आदमी आते हम पर रोक डाल सकता है वो हमारे कर्जदारों की जान निकाल लेगा, हमें तो ऐसे ही आदमी की जरूरत है। अरे मगर देखो राधे श्याम, इस घर में तुम्हारी ये अंग्रेजी वर्दी नहीं चलेगी। शेठ जी कहीं से किराए पर ले आया है। राधे मैंने तुझे समझाया था कि शेठ जी के घर में धुले हुए कपड़ों वाला आदमी नहीं चलता। हाँ ठीक है ठीक है जी ठीक है, तनख्वाह बता दी इसको। जी हाँ 90 रुपए। 90 रुपए बाप का मुकाबला करता है भाई? 90 रुपए पर तो तुम्हारा बाप 35 बरस नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ है। मैंने बाप की ही तनख्वाह बताई है, मेरी तो 85 होगी। जीते रहो जीते रहो। अरे लक्ष्मी क्या औलाद पैदा की है तूने, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ। अपनी ड्यूटी जानते हो? जी हाँ, सुबह 7 बजे यहाँ पे हाजिर हो जाना, होटल से आपके लिए खाना लाना और हिसाब किताब में गड़बड़ करना। गड़बड़? जी हाँ, आपके फायदे के लिए। कोई गरजमंद अगर 90 रुपए लेकर जाए तो किताब में 100 रुपए लिखना, और अगर 80 रुपए लौटाने आए तो 70 रुपए जमा करना। जियो जियो मेरे बेटे जियो। अरे लक्ष्मी ये लड़का तो गलती से तुम्हारे घर पैदा हो गया है, आदतों से तो इसको मेरी औलाद होना चाहिए था। कुत्ते वाली बात समझा दी इसको? जी हाँ वो भी याद है। क्या? सुबह शाम दोनों वक्त आपके कुत्ते को नहलाना, और जिस दिन कुत्ता बीमार हो जाए उस दिन, जिस दिन कुत्ता बीमार हो जाए उस दिन मैं कुत्ते की जगह खुद ही भौंक लिया करूंगा। जीते रहो बेटे, कुत्ते की तरह भौंकना भी एक महान कला है। गिफ्ट ऑफ गॉड। लक्ष्मी जी अब तुम जाओ और कल से राधे शाम को नौकरी पर भेजो, और सुनो तुम बार बार यहाँ ना आया करो, तुम्हारी क्रिया कर्म पर मैं खुद ही पहुँच जाऊंगा। अच्छा सेठ जी, अपना बच्चा ही समझना। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मनीराम जी नमस्ते। मनीराम ना कहो भाई, मालिक कहो। मालिक, मालिक कहने में तुम्हारी ही इज्जत है, लोग कहेंगे हाय हाय किस मालिक का नौकर है। अच्छा अच्छा मालिक मनीराम जी नमस्ते। जाति बार फिर मनीराम बीच में छोड़ गया है। यार कोई बात नहीं, घर का आदमी है घर का है, 50 रुपए में और कितनी इज्जत करेगा। ये बोरिया बिस्तर क्यों मांग रहा है? मामा के पास आगरा जा रहा हूँ इम्तिहान के दिनों में। कैसा इम्तिहान और कैसी पढ़ाई? ये चिट्ठी पढ़। दिमाग खराब हो गया तेरा? मामा ने पढ़ाई के लिए खर्च बंद कर दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तू आगे पढ़ेगा ही नहीं? सुनील इम्तिहान का दाखिला भरना है, यूनिवर्सिटी वाले मेरे सगने ही जो मुफ्त इम्तिहान में बैठा लिया। चुप, जो फिर फजूल की बात की तो उसमें डांटने की क्या बात है? मामा ने मदद से हाथ रोक लिया, अब पढ़ाई छोड़ने की से और क्या चाह रहा है? तो इसका ये मतलब हुआ कि मामा के सिवा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम था तू मेरी दोस्ती की ये कदर करेगा। अबे क्या मैं इतना क्या गुजरा हूँ कि तेरे इम्तिहान का दाखिला भी नहीं भर सकता? सुनील मुझे गलत मत समझो, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। अच्छा अब मैं किसी हो गया, बेगाना समझते हो मुझे? संजीव 3-4 बरस हम एक छत के नीचे रहे हैं, हर सुख और हर दुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। भूल गए वो दिन जब फर्स्ट ईयर में अचानक पिताजी के स्वर्गवास होने का तार आया था? उस रात मुझसे ज्यादा तुम रोए थे, पिताजी के संस्कार से लेकर उनके क्रियाक्रम तक तुम मेरे पास बैठे थे, और जब हम शिमला से लौटे थे रुखसत के वक्त माँ ने तुम्हें क्या कहा था याद है? हाँ, मौसी के शब्द में कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा था मैं समझती थी मेरा एक ही बेटा है, लेकिन अब पता चला कि मेरे 2 बेटे हैं। तो क्या आज उस विश्वास उस प्यार को पढ़ाई बंद करके बदनाम करोगे? माँ का दिल नहीं दुखेगा? है सब। ये क्या शोर शराबा? देखो ना शेखर, डिग्री मिलने में 2-3 महीने रह गए हैं और ये भाई कॉलेज छोड़कर जा रहा है, कहता है मामा ने खर्च बंद कर दिया। ये बात है। देख संजीव, अगर तूने इम्तिहान नहीं दिया तो मैं घर से बंदूक मंगा के पहली गोली तुझे मारूंगा, दूसरी तेरे मामा को, तीसरी सुनील को, और चौथी अपने आप। शेखर कह दे से अगर ये इम्तिहान में नहीं बैठा तो मैं भी नहीं बैठूंगा। सुनील मुझे माफ कर, तेरी दोस्ती की कसम मैंने तुझे पराया कभी नहीं समझा। मैं इम्तिहान जी हिप हिप हुर्रे। मामा
ओ सुनील, संजीव, तुम दोनों आ गए? हाँ माँ। अरे मैं इंतजार कर रही थी घर की तरफ। चलो चलो बैठो बैठो। हाँ ये तो पहले बताओ। हाँ माँ। तुम दोनों का इम्तिहान कैसे हुआ? सुनो माँ। हाँ। या तो मैं फंसाऊंगा या ये, तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगी कि मेरा संजीव ही फर्स्ट आए। वाह ये खूब रही माँ मेरी और दुआएं इसके लिए। अरे पगले, मेरी दुआएं तुम दोनों के लिए है। तेरे लिए तेरे पिता बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, धन और नाम की जरूरत तो इसे है। हाँ संजीव, मुझे तुमसे कुछ सलाह करनी है बेटा। और से मुझसे सलाह? हाँ, वैसे तो सुनील मेरी हर एक बात मानता है, लेकिन जब कभी शादी की बात करती हूँ तो कानों में उंगली डाल लेता है। मौसी मैं कान से पकड़ कर इसकी शादी करवाता हूँ। कोई लड़की है तुम्हारी नजर? अरे बेटे एक दो नहीं, 10-20 देख रखी है, आगे इसकी पसंद। अरे मौसी हम दोनों पसंद करेंगे, इसकी क्या जरूरत है? हाँ। देख संजीव, शिमले में रहना है या नहीं? आंख मत दिखा, मैं अपनी मौसी के घर आया। शाबाश बेटा शाबाश, तू ही इसे काबू कर सकता है। जरा अच्छी तरह समझा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। एक चक्कर आते ही माँ के साथ मिल गया, उसका क्या बनेगा? जिसके मुखड़े की किताब पढ़ पढ़ कर तूने इम्तिहान दिया है। जी हाँ, वो कोई दूसरा ढूंढ लेगी। तो मैं जहर खा लूंगा, जलेबी में डाल के खाना। इतना भी नहीं समझता, माँ के सामने ऐसी बात छुपानी पड़ती है। बम की तरह मौसी को थोड़ी बता दूंगा कि तू गीता के चक्कर में। गीता? कौन गीता? कौन गीता? कौन भगवत गीता? हाँ भगवत गीता। मौसी मैं इसे समझा रहा था कि वो भगवत गीता कैसे लिखी गई थी और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वो क्या सुदर्शन चक्र कैसे चलाया। सुदर्शन चक्र को छोड़कर इससे शादी के चक्कर की बात करो। इससे कब इनकार है? वो जरा पहले बीए का रिजल्ट तो निकला है। तो वो कौन सा दूर है? लो लो चाय पियो। जय हो जजमान मणिराम की जय हो। अरे आप पंडित राम परोसे, अरे आजकल बनारस का मौसम कैसा है? वो तो धर्म की नगरी है जजमान, बनारस के मौसम का क्या कहना। हाँ आपका पत्र मिल गया था, बेटी धनवंती के लिए बहुत अच्छा वर देख के आया हूँ। अच्छा कौन है लड़का? अब मुगलसराय के स्टेशन मास्टर हरी बाबू का लड़का चंद्रू है। चंद्रू? अरे पंडित भाई लड़के का नाम कुछ जचा नहीं है जजमान। हाँ। लड़के का असली नाम है चंद्र प्रकाश, परंतु बचत के ख्याल से चंद्र कहते हैं। ओहो बचत के ख्याल से, अब फिर तो खानदान जरूर अच्छा होगा। बहुत अच्छा खानदान है। हाँ। लड़का बीए में पढ़ता है। हाँ। घर का मकान है। हाँ। खाने पीने की तंगी नहीं और लोग लालची भी नहीं है। बस 15-20 हजार से ज्यादा खर्च नहीं आएगा शादी पर। 15-20 हजार? अरे पंडित मैंने कोई 5-7 शादियां कर ली है, मेरी लड़की अंधी लंगड़ी लूली नहीं है जो किसी को रिश्वत देकर मैं उसकी शादी करूंगा। वह सुंदर है, सुशील है, गुणवंती है और उसका नाम भी धनवंती है। मुझे तो पंडित ऐसा लड़का चाहिए जो मंदिर में शादी करके उसे अपने ही टांगे पर बिठा कर अपने घर ले जाए। छी छी, इतने बड़े सेठ हैं आप, एक ही संतान है आपकी, ये सारा धन दौलत किसके लिए? अरे देख पंडित ये मेरा प्राइवेट मामला है, मैं मरते वक्त अपना धन गवर्नमेंट को देकर जाऊं या अपनी छाती पर लेकर चला जाऊं, इससे किसी को क्या। परंतु श्रीमान हिंदू धर्म की रीत अनुसार लड़की को खाली हाथ भी तो विदा नहीं करते। देख राम भरोसे, मैं पैदा पुराने जमाने में हुआ था मगर आजकल मैं जरा मॉडर्न हो गया हूँ। अरे जिसे कन्या दे दी सब कुछ दे दिया और फिर कन्या के भाग में होगा, जहाँ जाएगी दौलत ही दौलत होगी। अच्छा श्रीमान, परंतु ऐसा घर ढूंढने में 2-4 वर्ष लग जाएंगे। तो कोई हर्ज नहीं, मुझे भी तो 7 वर्ष लगे थे धनवंती की माँ को ढूंढने में। हाय क्या औरत थी, ऐसी बीवी किसको मिलेगी। मैं सच कहता हूँ पंडित, शादी के बाद 4 वर्ष तक वो जिंदा रही, मुझे उसी की आत्मा की कसम, उन 4 वर्षों में उस बिचारी ने कभी 2 वक्त पेट भरकर खाना नहीं खाया था। अच्छा पंडित ये बता कि तेरी निगाह में कोई अच्छी सी लड़की है? लड़की? हाँ किसके लिए? अरे मेरे लिए नहीं, मेरे भांजे संजीव के लिए। ओ, संजीव कुमार। हाँ पढ़ा लिखा कहाँ तक? यही कोई बीए के आसपास। जजमान बहुत अच्छे वक्त पर याद दिलाया आपने, मेरी नजर में बहुत ऊंचे घर की लड़की है। देख भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं चाहिए, ये बता देंगी क्या? आप तो मॉडर्न है ना। हाँ सिर्फ लड़की के मामले में। मगर जजमान ये लड़की इकलौती है माँ बाप की। इकलौती? फिर आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, बच्चों क्यों हो गया है? बाप की एक कोठी बनारस में, एक गांव में, खानदानी जमींदारी,
आठ दस लाख रुपए बैंक में ये सब का सब लड़की के नाम कर देंगे। अरे पंडित फिर तो ये रिश्ता मंजूर पक्का। आज घर में गुड़ भी नहीं है वरना तेरा मुंह मीठा कराता। देख पंडित तू बनारस कब जा रहा है मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर जिदमान लड़की के बारे में कुछ और कहना। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर वो विधवा है तो भी चलेगी, अगर सुहागन है तो भी चलेगी। लड़की तो कुंवारी है मगर अंधी है। अरे तो क्या हुआ, मैंने कौन सा खाता पढ़वाना है उससे, ये बता तो बनारस कब चलेगा। अभी पांच सात दिन तो मुझे यहीं लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तू ऐसे कर कि मुझे उनका पता दे दे, मैं आज ही बनारस चला जाता हूँ, कल लिख दे पता। बहुत अच्छा, मगर जजमान हवाला मेरा दे। दे रहे ये धन्यवाद माँ कर्म फल हेतु संगोष्ठ कर्म। बेटी गौरी सारी गीता का तत्व कर्म है। कर्म योगी भगवान कृष्ण ने कर्म को ही धर्म माना है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म किए जाए और उसका फल भगवान पर छोड़े। तो फिर पिताजी आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करते हैं। पिता का कर्म है बेटी के लिए वर ढूंढना, वर मिले या न मिले ये तो भगवान के हाथ में है। जानता हूँ बेटी जानता हूँ, तुझे जरूर वर मिलेगा। मैंने अपने होश में कोई पाप नहीं, उसके घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फार कर देता है। राम प्रसाद जी अरे पहले मेरा नमस्कार तो स्वीकार कीजिए। नमस्कार जी, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। आप पहचानेंगे भी कैसे, पहली बार तो मिल रहे हैं। जी मेरा नाम मनीराम है, आगरे शहर और शहर के आसपास मैं सेठ मनीराम के नाम से मशहूर हूँ। पंडित राम भरोसे ने आपकी इतनी तारीफ की कि आगरे से सीधा आपके दर्शनों के लिए मैं यहाँ चला आया। राम प्रसाद जी गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद भी मुझे थर्ड क्लास में सफर करना पड़ा। फिर तो आपके सफर में बहुत तकलीफ। अरे मगर आपके दर्शनों के बाद सब तकलीफ भूल गया हूँ। बात यह है राम प्रसाद जी कि मैं आपकी लड़की के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए अजी आपसे पहले भी बहुत से लोग आए और चले। अजी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, आदमी आदमी में फर्क होता है। लाला जी मेरा एक भांजा है, भांजा भी क्या बेटा ही समझिए, बीए में पढ़ रहा है, अच्छी सेहत है, अच्छा कद है, शक्लो सूरत की क्या तारीफ करूं, फिल्म कंपनी वाले तो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं, मगर हम ठहरे खानदानी लोग एक्टर फैक्टर बनने से तो रहे। शायद आपको पंडित राम भरोसे ने ये नहीं बताया होगा मेरी बेटी की। अरे अच्छी तरह जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ लाला जी, आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, आंखें होने या न होने से क्या होता है। तो आपको सब कुछ मालूम है। देखिए जी जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उनके आखिरी शब्द ये थे कि बेटा जहाँ तक हो सके इस दुनिया में पुण्य कमाना, किसी को बढ़ता देखकर जलना नहीं और किसी को गिरता देखकर हंसना नहीं, पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में मिलता है और इस जन्म का अगले जन्म में। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब मैंने इस घर में कदम रखा तो सबसे पहले जो शब्द मेरे कानों में पड़े वो गीता के थे। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इस घर से रिश्ता जोड़कर ही जाऊंगा। आपके विचार सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपने अपने भांजे से पूछ लिया। अजी उससे क्या पूछना है, मेरे भांजे की रगों में मेरे खानदान का खून है, आम के पेड़ पर इमली नहीं लगती। फिर तो आज आप भगवान के रूप में मेरे घर आए। बेटी गौरी बेटी इन्हें नमस्कार करो। ये है मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है। जीती रहो बेटी जीती रहो, मेरा तो भंडार भर देगी तू। आंखों में प्रकाश ना सही चेहरे पर कितना तेज है। लाला जी आपके पास गौरी बिटिया की कोई तस्वीर है। बेटी बसंती गौरी की एक तस्वीर तो लाना। जी लाला जी, जी ये बसंती भी आपकी बेटी है। जी नहीं जी। गौरी की बचपन की सहेली है, इसकी देखभाल करती है। फिर ठीक है फिर ठीक है। लीजिए लीजिए लीजिए, मैं भी आपको अपने भांजे की तस्वीर भेज दूंगा। अब आप ऐसा कीजिए कि पंडित राम भरोसे से पूछकर कोई मुहूर्त निकलवा लीजिए। जी एक बात और बता दीजिए, यह आप शादी ब्याह के मामले में कौन से धर्म को मानते हैं। जी मैं तो उस धर्म को मानता हूँ जिसमें कुछ लाभ हो, मेरा मतलब है कि हमारा एक ही तो धर्म है सनातन धर्म। जी मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था, हमारे खानदान में बरसों से ये रीत चली आई है
कि हम लड़की की शादी यहाँ से 8-10 मील दूर सती के मंदिर में करते। अरे वाह 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 वाह, आपके खानदान के और हमारे खानदान की एक ही रीत है। देवी देवताओं के सामने जो भी शुभ कार्य हो जाए वही अच्छा होता है। मगर लाला जी, हमारे खानदान की एक और रीत है, वो ये कि लड़का लड़की और उसके माता पिता ही जाते हैं मंदिर में, हम बारात के ढोंग ढोंग को अच्छा नहीं समझते। जैसे आपकी इच्छा। हाँ जी, तो फिर मैं जाऊँ। तो आप उनके भांजे हैं संजीव कुमार जी? हाँ। नमस्ते नमस्ते, माफ करना मैंने पहले आपको देखा नहीं था, लेकिन अकाउंट्स बुक में अक्सर आपका नाम पढ़ लेता था। ये देखिए आपकी पढ़ाई पर कोई देखिए 10,333 रुपए खर्च हो चुके हैं। राधे श्याम। मालिक आ गए। राधे श्याम। हाँ जी। अरे ओ संजीव बेटा, तुम आ गए। जी तेरा। हाँ भाई, मैंने इनका हिसाब बता दिया है, अब वसूल करना आपका काम। अरे चुप रहे, बाप बेटे में कैसा हिसाब किताब। ये कौन है मामा? अरे बेटा घर का ही आदमी है, वो अपना लक्ष्मीदास पुराना अकाउंटेंट था ना, वो रिटायर्ड हो गया है, उसकी जगह उसका बेटा रख लिया है। संजीव बेटा, मेरा एक ही अरमान था कि तेरे हाथ में बीए की डिग्री देखूं, मगर बार है मेरी किस्मत कि थोड़ी बहुत पूंजी थी वो कर्ज में डूब गई, मैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए दाखिला भी ना भेज सका। तुम फिक्र मत करो मामा, मैंने इम्तिहान दे दिया है। मेरे दोस्त सुनील ने मदद कर दी। अरे शुक्र है भगवान। और मैं उसी के साथ शिमला गया था, उसकी माँ ने मुझे बुलाया था सुनील की शादी का मशवरा करना। हाँ क्यों नहीं, बच्चों की शादी हर माँ बाप का अरमान होता है। अरे अरे सुन रहे राधे श्याम, बाजार से नींबू शरबत लेकर आ, बच्चा पहाड़ से आया है, गर्मी लग रही होगी, चल जा जा जा। अच्छा। संजीव बेटा, मैं बनारस गया था तुम्हारे काम के लिए। मामा मेरा क्या काम था? अरे बेटा मेरे सर के ऊपर दो ही बोझ रह गए, एक धनवंती की शादी और दूसरे तुम्हारी शादी। तो फिर पहले मामा तुम धनवंती की फिक्र करो। अरे बेटा फिक्र तो पहले लड़की की होनी चाहिए, मगर क्या करूँ आजकल मेरा हाथ बहुत तंग है, मैं उसको जहेज में कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी शादी कर दूँ, तुम्हारे जहेज में जो थोड़ा जेवर या कपड़ा आएगा वो धनवंती के काम आ जाएगा। देखो बेटा इत्तफाक से घराना भी बहुत अच्छा मिल गया है, लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की का बाप तो देवता है देवता है। देखो बेटा मैं हाँ बोलकर आया हूँ, लड़की की तस्वीर देखो, तुम ये देखो, इधर से देखो। और बेटा एक पंथ और दो काज वाली बात है, तुम्हारा घर भी बस जाएगा और धनवंती के हाथ भी पीले हो जाएंगे। लेकिन मामा पहले मैं बीए पास करके कोई नौकरी तो ढूंढूं। अरे बेटा वो तुम्हारे जहेज में 10-20 हजार रुपया देने को भी तैयार है, अगर नौकरी ना मिली तो उससे कोई कारोबार कर लेना। देखो मेरे वचन की लाज रख लो। अच्छा मामा जैसी तुम्हारी आज। जीते रहो। अरे बेटा जीते रहो। तुम यहाँ लड़की पढ़ी लिखी कहाँ तक है? बीए का इम्तिहान दे चुकी है। हाँ। मैं 30 बरस की नौकरी के बाद कल ही रिटायर हुआ, अपने गांव लौटने वाला था, इतने में ये बात छिड़ गई। हाँ। सोचा कि ये शुभ काम करता ही जाऊं। संजोग तो जहाँ मिलने होते हैं वही मिलते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं लड़की को देख सकती हूँ? बिटिया तो इस वक्त अपनी सहेली के यहाँ गई है, आज शाम या कल पधारिएगा। कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आप हमें शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बेवफा जो ठहरे, मगर याद रखो, फरमाइए, लाख ढूंढोगे तो भी मेरी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। ओहो। वैसे भी आज रिश्ते के लिए मुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। आपको तो आज देखने आ रहे हैं, मुझे तो हर रोज देखने आते हैं, जब से दिल्ली से आया हूँ माँ ने लड़कियों की कतार लगा रखी है। कोई लड़की पसंद आई? आपकी पसंद तो वही पुरानी है, लेकिन वो जलाती तरसाती तड़पाती बहुत है। इतनी ही जल्दी है तो तुम अपनी मम्मी से बात छेड़ो, मैं अपने डैडी से बात छेड़ू। गुड आइडिया। देखो अगली मुलाकात पर अपनी मम्मी की इजाजत लेकर आना, और तुम अपने डैडी की। वादा? वादा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया। डैडी। ओ बाय बाय। मुंशी जी सुनील से तस्वीर देख कर ही उछल पड़ेगा, है ना इस घर की बहू बनने काबिल? साक्षात देवी है मां की। आ बेटा। ये क्या छुपा रही हो माँ? क्यों बताओ? छोटे बाबू मालकिनी एक चीज ढूंढी है आपके लिए। अच्छा माँ बताओ ना क्या है, बताओ ना। अरे बताती हूँ। देख बेटा जो चीज ढूंढने से नहीं मिली वो आज अपने आप ही मिल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। तेरे लिए एक जगह से शादी का संदेशा आया है, तस्वीर देखेगा? मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी। फिर वही बच्चों की सीधी, क्या सारी उम्र कुंवारा बैठा रहेगा?
एक नजर तस्वीर देखने में क्या हर्ज सुनी। मैं तुझे लिख कर देती हूँ कि अगर ये लड़की तुझे पसंद ना आई तो फिर मैं कभी तेरे सामने शादी का नाम नहीं लूंगी। जरा देखते बेटा। नहीं माँ, तुम्हें बहू चाहिए ना। अरे अंधे को आंखें मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो फिर सुनो माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली। क्या किसी राह चलती का हाथ पकड़ लिया है? नहीं माँ, बहुत सोचा है, बहुत समझा है, बहुत देखा है, बहुत जाना है। अरे किसे देखा है, किसे जाना है, कुछ बोल तो सही। अब माँ मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बात यह है माँ कि एक लड़की है, लड़की बड़ी सुंदर है माँ, बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जब तुम उसे देखोगी तो ये फोटो वोटो सब भूल जाओगी। बड़े अच्छे घर की भी है माँ, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं उसे 3 साल से आजमा रहा हूँ, अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि ना वो मेरे बगैर जिंदा रह सकती है, ना मैं उसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ। माँ माँ, पहले तू मेरी शादी के लिए जिद करती थी, अब मैं अपनी शादी के लिए जिद कर रहा हूँ। तुझे मेरी बात माननी होगी माँ। नालायक कहीं का, 3 साल से पहचान है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पागल, अब तक तो आनंद में पोती पोता खेलते होते। मुंशी जी, जी उनके घर जाइए, ये तस्वीर वापस कीजिए और कहिए कि लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है। समझा के कह दीजिएगा। अब तो खुश हुआ ना? माँ बड़ी अच्छी माँ। अब मुझे मेरी बहू कब दिखाता है? माँ कल ही दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। कल क्या, मैं आज ही तुझे लेकर बनारस चला जाऊंगा। मैंने तुझे कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू अपनी मर्जी से लड़के पसंद करती थी। इतनी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक अच्छा वर ढूंढा, अब उनको क्या जवाब दूंगा? तूने तो मेरी पगड़ी उछाल कर। आइए आइए मुंशी जी आइए, अकेले ही आए। माफ कीजिए, ये तस्वीर उन्होंने लौटा दी। छोटे बाबू को ये रिश्ता पसंद नहीं है। ये रिश्ता पसंद नहीं है? आजकल के नौजवानों को क्या भरोसा, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, माँ बाप की खुशी को तो कुछ समझते नहीं। पालकिन बहुत बहुत क्षमा मांग रही। तो चलो अच्छा ही हुआ, भगवान ने मेरी इज्जत रखी, वरना मुझे थूक कर चाटना पड़ता। पिताजी, अगर अब आप मेरी पसंद के लड़के को देख लें तो हर्ज क्या है? चुप रहो, शायद उन्हें पता चल गया होगा कि तू कॉलेज में किसी से प्यार व्यार करती रही, इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन पिताजी, जिन्हें मैंने पसंद किया है वो तू कौन होती है पसंद करने वाली? लड़की के लिए वर ढूंढने का अधिकार माँ बाप को होता है। क्या जल्दी सामान बांधो, हम आज ही बनारस जा रहे हैं। क्या लिख रहे हो बेटा? सुनील को अपनी शादी की दावत दे रहा हूँ। अरे बेचारा शिमले से इतनी दूर कहाँ आएगा, क्यों उसको तकलीफ दे रहे हो? मामा, सुनील सिर्फ मेरा अजीज दोस्त ही नहीं, हाँ भाई। अगर उसे मेरी शादी की खबर न मिली तो वो क्या कहेगा? राधे श्याम जी। संजीव बाबू, ये जरूरी खत इसे फौरन डाकखाने में डालता। लेकिन इसमें तो टिकट लगा है। आज तक इस घर का रिवाज रहा है कि लिफाफा हमेशा दरम भेजा जाता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी खत है। जैसा तुमसे कहा है वैसा करो। जी, अरे ये खाता साथ क्यों ले जा रहा है? क्या इसको भी लिफाफे के साथ ही लेटर बॉक्स में डालना है? देखो मैं जा रहा हूँ डाकखाने की तरफ, मैं लिफाफा खुद ही पोस्ट कर दूंगा। आप तकलीफ क्यों करते हैं? नमस्ते जी। लाला रौनकलाल दुग्गल जी अंदर हैं? जी नहीं, वो तो आज सुबह घर खाली करके बनारस चले गए। बनारस चले गए? आपके पास बनारस का पता? जी नहीं। बनारस? आ गए बेटा, मिला है उससे? अरे कुछ बोल तो सही, उसका पिता कौन है, उसका पता क्या है? आज शुभ दिन है, मैं वहां जाकर बातचीत पक्की करके आती हूँ। लेकिन माँ, वो बनारस चले गए। बनारस? हाँ माँ, उसके पिताजी को वहां कुछ जरूरी काम था, वैसे अब वो भी रिटायर हो चुके हैं।
लेकिन उसके पिता का नाम क्या है? श्रीमान रौनक लाल दुग्गल। अच्छा, तो वो लड़की बनारस वाले रौनक लाल की बेटी है। वही ना जो 12 नंबर लोयर बाजार में रहते थे। हाँ हाँ माँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? तुम गीता की ही बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अरे बेटा, मैं तुम्हें उस दिन गीता की तस्वीर दिखा रही थी। ये लो, मुझ जैसा भी कोई पागल होगा इस दुनिया में। छोटा बाबू, तुम्हारे इनकार करने पे मैं वो तस्वीर वापिस भी दे आया। वाह मुंशी जी वाह, बहुत कमाल किया आपने, बहुत कमाल किया। अब मैं समझा वो लोग अचानक बनारस क्यों चले गए। ये तो बहुत बुरी बात हुई, गीता तो मुझे भी बहुत पसंद थी बेटा। माँ मैं बनारस जाता हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें तलाश कर ही लूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ जरूर जाओ। अच्छा माँ, और देखो वापसी में आगरा जाकर संजीव को भी अपने साथ लेते आना, मैं उसके लिए भी कोई लड़की ढूंढ कर रखूंगी। हाँ, और तुम दोनों की एक ही मंडप में शादी हो जाएगी। अच्छा माँ। चलो बेटी, बसंती तू यहीं ठहर। क्यों पिताजी? बेटी घर में इतने मेहमान आए हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? सती मंदिर को तो बस 7 फेरों का काम है। और हाँ बसंती, जब दूल्हा दुल्हन घर में प्रवेश करें तो उनके स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी रहें। जी पिताजी। पिताजी वो लोग आ गए क्या? बेटी मैंने उनके लिए गाड़ी स्टेशन भेज दी है, वो सीधे सती मंदिर पहुंचेंगे। ओम आर्यमनम नारियोक्ता पुतेलाजा नामवंतिका आयुष्मान अस्तु मे पतिरे धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम हे रंबो सुरपु विशो गुणमयो लंबोदरा सीयुतो श्रीकुंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीर विद्यागुणी गौर्या पुत्र गणेशो हरसुतो गोविंद पूजा सदा मंगलम सर्व मंगल मंगले श्री सर्वार्थालिके नन्दे समके गौरी नारायण नमोस्तुते लाभस्ते ताम देहस्ते ताम कृतस्ते ताम पराजया येषाम् इन्द्रिय वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। ओम अलिमंडल मंडित गंड युगम तिलकाकृति शेखर चंद्र बलम कर घात विदारित दुष्ट बलम प्रणमामि गणाधिपतिम जटिलम। आप जीवन भर के लिए प्रेम के इस अमर बंधन में बांधे गए, एक दूसरे के गले में फूलमाला डालिए। अरे ए, 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 ये ये ऐसे मेरी बात तो सुनो बेटा। मामा, मेरे लिए सारी दुनिया में अभी लड़की रह गई थी। अरे क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो, 10 लाख रुपए की रकम मिल रही है, आंखों को क्या चाटना है? अब समझा, 10 लाख रुपए के लालच के लिए तुम मेरी उम्र भर की खुशियां नीलाम करना चाहते थे। मुझे झूठा ना बनाओ, मैंने तुम्हें लड़की की तस्वीर दिखा दी थी। लेकिन ये तो नहीं बताया था कि लड़की अंधी है। मैंने सोचा कि तस्वीर देखने के बाद तुम खुद ही समझ गए होगे। देखो बेटा, एक तरफ 10 लाख रुपया है और दूसरी तरफ सिर्फ 2 आंखें। मैंने माना कि गौरी तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकती, मगर तुम तो उसे देख सकते हो, इसलिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मामा, मैं नाथ हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ही अपना पिता, तुम्हें ही अपनी माता समझा। आज तुम मेरे उस विश्वास का बदला इस धोखे से दे रहे हो। तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, अगर इसकी कीमत चाहिए थी तो उम्र भर के लिए मुझसे मेहनत करवाते, मजदूरी करवाते, लेकिन जिस तरह उम्र भर के लिए मुझे संस्कार में धकेलने का तुम्हें क्या अधिकार था? देखो बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं तो और किसी का भी नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ किया था, समझ लो आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मेरी तलाश भी मत करना। मगर दूल्हा कहाँ है? बसंती। लाख बर्बाद हो गए।
मेरे 10 लाख। आपकी आंखें नहीं है क्या? अरे आंखों ने तो मुसीबत डाली है, तेरी आंखें। अरे सुनील तू, अरे मामा जी आप और बनारस में? हाँ बेटा, लोग बनारस में तीर्थ करने आते हैं, मैं यहाँ जग मारने आया हूँ। संजीव की शादी थी कल। क्या कहा आपने? संजीव की शादी? वो मुझे खबर दिए बगैर शादी कैसे कर सकता है? अरे बेटा कल शादी होगी और वो शादी के मंडप से भाग गया, मेरी तो पानी फेर दिया उसने। हाँ मैं तुझे समझाता हूँ। लेकिन मामा जी मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे काम वाम को गोली मारी है, तुम्हारे दोस्त की इज्जत का सवाल है, उसके खानदान की इज्जत खतरे में है। लेकिन आप आराम कीजिए, मैं शाम को आऊंगा। मैं आज तक तुझे सुखी नहीं देख सका। शहर में इज्जत बनी हुई थी, वो भी लूट गया। अगर संजीव वापस नहीं आया तो मेरे सामने इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं होगा कि मैं जहर खाऊं। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा ना कहिए। मैं ही अभागन हूँ, जहर तो मुझे खाना चाहिए। बेटी ये तो क्या कह रही है बेटी? हाँ पिताजी, मेरे ही कारण सारी मुसीबतें आई, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। गौरी बेटे, तुम्हारे पिताजी की तबीयत पहले खराब है, तुम अंदर जाओ बेटा, जा ले जा, ले जा, ले जा। राम प्रसाद जी आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। मणिराम जी, क्या आपने शादी से पहले गौरी की आंखों का जिक्र नहीं किया था संजीव से? मैं क्या बताऊं राम प्रसाद जी, बुढ़ापे में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। मैं समझा था कि तस्वीर देखकर वो सब कुछ समझ गया होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाता है। बेटा बेटा, अरे सुनील बेटा, मुझसे तो इनकी हालत देखी नहीं जाती। तू चाहे तो गौरी को प्राण मिल सकते हैं, इनका टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है, इस सिवाय तुम्हारे संजीव को ना कोई ढूंढ सकता है ना मना सकता है। मामा जी ये सारी गलती आपकी है, आपको ये रिश्ता मंजूर करने से पहले संजीव से साफ साफ कह देना चाहिए था। अब मैं उसे कहां ढूंढूंगा, ना जाने कहां होगा वो, ना जाने संजीव कहां होगा, शायद शेखर के पास चला गया होगा। खैर आप चिंता ना कीजिए, संजीव को ढूंढ कर लाने का जिम्मा मेरा रहा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, वरना 10 लाख मेरा मतलब जीते रहो। राम प्रसाद जी आप सुनील और संजीव के प्यार को नहीं जानते, सुनील अगर कहे तो संजीव आग में भी कूद सकता है, बस आप आशा रखिए, आशा रखिए। हे भगवान, मेरी निराशा को आशा में तेरे सिवा कौन बता? तुम्हें मेरी बात माननी होगी संजीव, समझे? दूसरों को समझाना बड़ा आसान है सुनील, मेरा मामा अच्छी तरह जानता था कि गौरी अंधी है, फिर भी उसने दौलत के लालच में आकर मेरा हाथ गौरी के हाथ में दे दिया। मेरे भी कुछ अरमान है, उन अरमानों पर तुम्हारी नजर नहीं जाती। मैं जानता हूँ संजीव, तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम गौरी के साथ बेइंसाफी करो। अच्छे दोस्त हो तुम, जो एक दोस्त को ये मशवरा दे रहे हो कि वो अपनी जिंदगी के उजाले बेचकर किसी के अंधेरे खरीद ले, उम्र भर एक अंधी लड़की का साथ दे। जरा सोचो संजीव, अगर तुमने गौरी को त्याग दिया तो उसके जीवन में क्या रह जाएगा? अगर गौरी शादी के बाद अंधी होती तो क्या तुम उसे छोड़ देते? अनदेखे और अनजाने हालात से समझौता करना ही पड़ता है। अनजानी और अनदेखी चीज से समझौता कर सकते हो, जानी पहचानी से नहीं। हर तरह गौरी अंधी ना होती और उससे शादी के बाद तुम अंधे हो जाते तो क्या गौरी तुम्हें छोड़ देती? हरगिज नहीं। संजीव तुम नौजवान हो, भगवान ने तुम्हें तालीम जैसी दौलत दी है, तो फिर तुम क्यों नहीं एक ऐसी मिसाल बन जाते कि दुनिया वाले तुम्हारे नाम की कसम खाया करें? सुनील सुनील मैं संजीव, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर तुम गौरी को स्वीकार कर लोगे तो कुछ दिनों बाद तुम्हारी नजर उसकी आंखों के बुझे हुए दियों पर नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें गौरी की आंखों में वो रोशनी नजर आएगी जो एक पति को देखकर एक पत्नी आंखों में झिलमिला उठती है। बस बस सुनील, गौरी को छोड़ते वक्त मैं उलझन में था, घबरा के चलाया, अब किस मुंह से उसके पास जाऊं, किस मुंह से उसके पास जाऊं? नेकी में किस बात की शर्म, इरादा होना चाहिए, इरादा। ये भी क्या दुनिया, तन की सुंदरता सब देख लेते हैं लेकिन मन की सुंदरता पर किसी की नजर नहीं जाती। क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रही है, मेरे तन बदन में भी तो आग लगी हुई है। एक पल उसने तुम्हारा हाथ थामा और दूसरे पल झटक दिया,
दुनिया उसे पढ़ा लिखा इंसान कहती है, लेकिन मैं तो उसे गंवार हैवान कहूंगी, हैवान। बसंती, क्या कहा? उन्हें हैवान कह रही है, जिनको सती माता की छाया में मैंने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा कहते हुए तेरी जबान न जल गई? मेरा दिल जला है, इसलिए जबान पर जले कटे शब्द आ गए। गौरी, मैं बचपन से तुम्हारी साथी हूँ, मुझसे ज्यादा न किसी ने तुम्हें देखा है, न समझा है, न जाना है। आज तुम्हारा थप्पड़ खाकर मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई, क्योंकि ये हाथ उस भावना से उठा जिसमें पतिव्रत धर्म की पूरी तपस्या थी। पति का अन्याय होते हुए भी हिंदुस्तानी पत्नी किसी की जबान से अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आइए आइए, तब पधारिए। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आई। कौन हो तुम? मेरा नाम पूछकर क्या करोगी? ये बताओ, चूड़ियाँ गिरवी रखनी है या नेकलेस? ये बताते हो कि नहीं तुम कौन हो? मैं आपको सेठ नजर नहीं आता, लेकिन हम 14 कैरेट का धंधा नहीं करते, 22 कैरेट की है। सुना? ओह माय गॉड, घर में ना डैडी है ना अल्सेशन कुत्ता। डैडी बनारस गए हैं और अल्सेशन कुत्ते की जगह इस बुलडॉग को छोड़ गए हैं, लेकिन मैं लड़कियों पर नहीं भौंकता। तो लड़की देखकर तू मिलाते हो? अब तेरे अल्लाह टप्पू जानता नहीं मैं सेठ मणिराम की लड़की हूँ। मणिराम की लड़की? हो धनवंती, अरे तू इतनी जवान हो गई है, क्या शक्ल सूरत निकली है, बचपन में तो तेरी नाक ही बहती रहती थी। लेकिन ये तो बता तू कौन है? तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं सेठ जी के पुराने अकाउंटेंट लक्ष्मीदास का लड़का हूँ राधेश्याम। जब मैं छोटा था अपने पिताजी के साथ यहाँ आया करता था, और तू मुझे छिप छिप के खट्टी मीठी गोलियां खिलाया करती थी। सच कहता हूँ धनवंती, मैंने तेरा ख्याल करके ही यहाँ पे नौकरी की है, वरना मणिराम जैसे कंजूस आदमी के घर में कोई नौकरी कर सकता है? आ लेने तो डैडी को, मैं मजा चखाती हूँ। भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है? अरे किसका भैया किसकी भाभी, 10 लाख 10 लाख 10 लाख कहाँ है सेठ जी, जल्दी से मुझे दीजिए, मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। अरे ओ लक्ष्मी दास के औलाद, अगर मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते तो मैं घर में चहनाइयां बजाते हुए आता, मेरा लटका हुआ थोड़ा नजर नहीं आ रहा तेरे को। अरे मेरी धनवंती, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। संजीव जादी के मंडप से भाग निकला जरा सी बात के लिए। कौन सी बात? अरे बेटा, इतने बड़े घर में उसकी शादी पक्की की, जहाँ से 10 लाख का दहेज मिलने वाला था, अगर संजीव की आंखों पर पर्दा पड़ गया, इतनी खूबसूरत लड़की को सिर्फ इसलिए ठुकरा कर चला गया कि वो अंधी। अच्छा ही तो किया भैया ने, क्या रुपए की लालच में वो अंधी लड़की से शादी कर लेते? इसी तरह कल आप मेरे लिए भी लंगड़ा लुंगड़ा पसंद कर लेंगे। सेठ जी, मेरे दोनों हाथ और दोनों टांगे सलामत हैं। ओ डैडी, ये क्या बकवास आपने घर में रखी हुई है? अरे बकवास नहीं है बेटा, ये तो बड़े काम का आदमी है, दिन को सांप की तरह तिजोरी के पास बैठा रहता है और रात को कुत्ते की तरह ड्योड़ी में घर की खबर रखता है। सेठ जी, अब तो मेरी ड्यूटी और बढ़ जाएगी, एक जवान लड़की का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यू शट अप, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। डैडी, मेरा अस्बाब बाहर टांगे में पड़ा है, वो तो उतरवाइए ना। अच्छा था तांगे में? तो तू 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 तांगे में आई है? अरे बेटी, स्टेशन पास ही तो था, 3906 कदम। ओहो डैडी, मगर बोझ बहुत था। कोई बात नहीं, आपका सारा बोझ मैं उठा लूंगा। क्या? अच्छा संजीव, क्या फैसला किया तुमने? जाऊंगा तो जरूर, लेकिन कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद क्यों? यूं ही जरा सी घबराहट है और कोई बात नहीं, इरादा कर लिया है। वेल डन संजीव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था मेरा दोस्त कुछ देर के लिए रास्ता भूल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए भटक नहीं सकता। हाँ, एक काम और करो, अपने मामा को चिट्ठी लिख दो कि तुम कुछ दिनों के बाद आ रहे हो, ये खबर सुनकर गौरी जी उठेगी। अच्छा, आज ही लिख दूंगा। फिर इस खुशी में आज शाम को शिकार का प्रोग्राम हो जाए। छोड़ो यार, जब देखो शिकार शिकार शिकार, कुछ पार्टी वार्टी का इंतजाम करो, डांस वांस हो जाए। बेटा, कमरे में शेखी बगाते रहते, कभी मैदान के मठ भी बनो, जंगल में जाएंगे, एक आध शेर का शिकार करेंगे, और फिर संजीव का जरा मूड भी बदल जाएगा। क्यों संजीव? ठीक है, मुझे कोई इनकार नहीं। गुड आइडिया, शिकार के बाद मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगा और गौरी को समझा दूंगा हम सब शिकार खेलने गए थे। वेरी गुड। ओके,
अमा हसो यार हसो। हरिराम जी इतना काबिल डॉक्टर है? हाँ वह डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर है, हजारों नाउमीद केसेस उसने ठीक कर दिए। मुझे तो पूरी आशा है कि गौरी की आंखें भी वह जल्दी ही ठीक कर देगा। तुम कल ही मेरे साथ चलो वरना अगले हफ्ते वह बिलाई जा रहा है। पिताजी अब मेरी आंखें ठीक हो भी जाए तो क्या फायदा, इन आंखों से मैं किसे देखूंगी। राम प्रसाद जी गौरी बेटी संजीव आ गया है, आ रहा है। संजीव आ रहा है? हाँ जी उसकी चिट्ठी आई है, वो अपने किए पर पछता रहा है, आखिर भाजा किसका है। लीजिए लीजिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा अच्छा 10 दिन के बाद आ रहा है। जी जी मणिराम जी मेरी सूखी खेती हरी हो। पिताजी बेटी हरी चाचा अभी अभी किसी डॉक्टर का जिक्र कर रहे थे ना। हाँ हाँ बेटा मुझे कल ही उनके पास ले चलिए, अब मुझे आंखों की जरूरत है। देखिए आप अभी उस डॉक्टर से मिलकर कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अच्छा राम प्रसाद पिताजी बेटी मुझे वो चिट्ठी दे दीजिए। हाँ राम प्रसाद दे दो, इसमें तो गौरी के मन की मुराद है। लो बेटा लो लो ये अपने पास रखो, ये तुम्हारा ही धन है। राम प्रसाद हाय 5 और 5 10 पढ़ना जल्दी पढ़। पूज्य मामा जी मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, लेकिन अब आपसे गौरी से और अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ। मैं 10 रोज के बाद आपके पास पहुँच जाऊंगा। आप गौरी और उनके पिता को ये समाचार दे दीजिए और मेरी तरफ से उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका संजीव। गौरी गौरी कितना शुभ दिन है आज। हाँ बसंती कितना शुभ दिन है, मरते मरते जी उठी। दवा पी ली थी, ले लेता हूँ। आदमी जब नौकरी से रिटायर हो जाता तो जिंदगी से भी रिटायर हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं बेटे जी? शरीर की मौत से मैं नहीं डरता बेटे, सोचता हूँ मेरे जीते जी अगर तेरे हाथ पीले हो जाए तो मेरी आत्मा भटकने से बच जाएगी बेटी। ऐसा ना कहिए पिताजी, अभी आपका साया मेरे सर पर बहुत ही लटक रहेगा। इस उम्र में बेटी लड़कियों के लिए बाप के साए की नहीं मां के सिंदूर की जरूरत होती। गीता मैं हारा तू जीती। हाँ बेटी तुझे जो लड़का पसंद है मैं उसी से तेरी शादी किए देता हूँ, जा उसे जल्दी से चिट्ठी लिख दे। सच पिताजी? हाँ बेटी जा जल्दी लिख दे। मैं भी लिखी देती। अरे राधेश्याम तू हर वक्त इश्क झाड़ता रहता है, तूने कभी अपनी औकात भी देखी है? ओहो धनवंती मुझे तेरा मुखड़ा देखने से फुर्सत नहीं मिलती, अपनी औकात क्या देखूं। चल आज एक बात का फैसला हो जाए। किस बात का? यही कि धर्म अनुसार हम लोग प्यार की बंसरी कब बजाएंगे, मेरा मतलब है शादी मैरिज। मैरिज कहाँ तक पड़ा है? देखो मैरिज तक तो फेल नहीं होगा, बात की बात बाद में देखी जाएंगे। तुझे अगर मुझसे शादी का इतना ही शौक है तो तेरे पास कम से कम एक स्कूटर तो होनी चाहिए। जो हमारी मोहब्बत क्या स्कूटर पे चढ़ के होगी? मुझे तो स्कूटर वाला ही चाहिए। अच्छा फर्ज करो मेरे पास स्कूटर है तो फिर बात पक्की। अच्छा धनवंती कल को अगर कोई आदमी लारी पे चढ़ के मोहब्बत कर रहा हो और वो आके हमारे स्कूटर से टकरा जाए जिसपे हम दोनों चढ़े हो, फिर कैसे हो? खतरे वाली बात है। है ना खतरे वाली बात? तुम्हारी मेरी शादी पक्की ना? देख राधेश्याम पसंद तो मैं भी तुझे करती हूँ, मगर तू मुझे खिलाएगा पिलाएगा कहाँ से? तू भी बच्चों वाली बात करती है। अरे धनवंती कुछ दिनों के बाद हम लोग लाखों के मालिक बनने वाले हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि तेरे पूजी पिताजी ने गांव के हर ऐरे गहरे से दुश्मनी मोल ले रखी है, उनमें से कोई ना कोई किसी भी दिन जरूर सेठ मणिराम का कत्ल कर देगा और उनकी चिता के जलने और क्रियाक्रम के बाद जो कुछ बचेगा वो हमारा ही तो होगा, फिर हम दोनों कुल छर्रे बढ़ाएंगे। तो तुमने मेरे पिताजी की दौलत पर आंख लगा रखी? नहीं प्यारी मेरी आंख तो तुम्हारे ऊपर है और ध्यान उनकी दौलत की तरफ। शुक्र है भगवान का कि संजीव मान गया, नहीं तो 10 लाख रुपए का घाटा पड़ने वाला था। राधे श्याम और राधे श्याम आया ससुर जी। हाँ। आपने मुझे पुकारा? अरे रसोई में क्या लेने गया था? मैं अपनी प्यास बुझा रहा था। तो फिर बुझाने प्यास? जी नहीं हाँ। आपकी आवाज से डरकर आधा पानी छोड़ आया। देख रहे राधे श्याम तू बच्चा है, जिस काम को हाथ में लो उसे पूरा करके छोड़ो। सब पठन सेठ जी मैं पूरा ही करके छोड़ूंगा। अच्छा अच्छा
लाओ बेटा लाओ। और देख रहे तू जरा राम सहाय वकील के पास चला जाए। सेठ जी सिविल वकील? अरे ओ उल्लू के चरखे, सिविल केस में तो सारी उम्र बीत जाती है। राम साहेब से कहो कि मदन रीस और बालू सिंह दोनों पर क्रिमिनल केस कर दे, मेरा पैसा हजम किए बैठे हैं। सेठ जी आपका पैसा आपको हजम नहीं होता, किसी दूसरे को क्या होगा। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। धनवंती बेटा आजकल महंगाई का जमाना है, जरा शक्कर कम डाला कर। हैं कितने चम्मच डाले? एक चम्मच। बस कल से खाली सिर्फ चम्मच डाला था। अच्छा पिताजी। अच्छा सुनो बेटी, मैं आज बनारस जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। पहले तेरी भाभी की आंखों का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद तुझे ले जाऊंगा। और फिर बेटा संजीव भी तो आ रहा है, कोई ना कोई तो घर में रहना चाहिए। और देखो मेरी गैर हाजिरी में इस राधे श्याम पर नजर रखना। उन पर तो मेरी पहले से ही नजर है पिताजी। अरे वाह वाह वाह, जिया जिया जिया, आखिर बेटी किस किया तू है। और मेरे पीछे कोई देने आए तो फौरन ले लेना, अगर कोई लेने आए तो बिल्कुल नहीं देना। और मेरे बारे में अगर कोई पूछे तो बोल देना कि सेठ मणिराम जी परलोक से धार गए हैं। परलोक? हाँ बेटा, परलोक और परदेश में है, एक ही बात है। शेर मारो, उसके बाद तुम्हें बनारस ले जाकर गौरी से मिलवाता हूँ और फिर मैं अपना काम और फिर तुम अपना गीता पाठ शुरू करना। Thank you.
कल पट्टी खोल दी जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या मेरी बेटी सचमुच देख सकेगी? मुझे पूरी उम्मीद है। पिताजी, क्या बात है बेटी? कल वो भी आ रहे हैं ना? हाँ बेटी। तो फिर मेरी आंखों की पट्टी उन्हीं के सामने खोली जाए। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपने जीवन साथी को देखना चाहती है। भाई वाह, पिता के प्यार से बढ़कर पति का प्यार हो गया। बेटी, जब तू संजीव को देखेगी ना, तो फिर पता चलेगा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत वर ढूंढा था। क्या वो बहुत सुंदर है? हाथ कंगन को आज से क्या है, कल खुद ही देख लीजो। पिताजी, मैं उनके साथ भारत के हर तीर्थ की यात्रा करूंगी। अरे बेटी, सिर्फ भारत क्यों, सारी दुनिया घूमना। अच्छा बेटी, मैं चलूं? अच्छा पिताजी। कल संजीव को साथ लेकर ही आऊंगा। आइए मनीराम जी। अच्छा।